नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद के में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाली एबीटेट 2020 सीटेट 2020 और सुपर यूपीटेट एग्जाम 2020 के लिए गणित पैडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्न जो है गणित पैडागोजी से 15 प्रश्न आते हैं, पर हमने आज की इस वीडियो में 30 प्रश्न लिए हैं ताकि आपको कम समय में थोड़े ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल जाए। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और आप यदि इन प्रश्नों को PDF के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप इन प्रश्नों को पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित की किस संरचना के अंतर्गत हम योग गुणा तथा सामान्यकरण आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो गणित की वो कौन सी संरचना होती है जिसमें हम योग गुणा सामान्यकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं? बीजगणित संरचना, तलरूप संरचना, क्रमिक संरचना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा बीजगणित जो संरचना होती है उसी के अंदर हम ये सभी संक्रियाएं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थापन भावात्मक पक्ष में किस स्तर पर है? पहला स्तर, पांचवा स्तर, छठा स्तर या फिर तीसरा स्तर? तो ये होता है पांचवें स्तर में व्यवस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्यों के बारे में गलत है? ये उद्देश्य संकुचित होते हैं, इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है, इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है, इनकी प्राप्ति विद्यालय में निर्धारित कालांश में हो जाती है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है शिक्षण उद्देश्यों के बारे में उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर जो रहेगा कि इनकी प्रकृति जो होती है ये दार्शनिक होती है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा दो के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों के बारे में, सरल आकृतियों उसकी लंबों किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। देखिए यहाँ पर सरल आकृतियों और उसके लंब किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण होगा श्यामपट का तल, जियो बोर्ड, 3D स्लाइड्स, नोट या क्यूब्स। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा हमारा वो रहेगा जियो बोर्ड, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित के द्वारा छात्र समस्या को क्रमबद्ध ढंग से हल करता है। सबसे पहले वह समस्या के तह तक पहुंचता है, फिर समस्या को हल करने के लिए विभिन्न हलों में से सही हल का चयन अपने अनुभव तथा परीक्षण द्वारा करता है। यह कथन संबंधित है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से, मनोवैज्ञानिक मूल्यों से या बौद्धिक मूल्यों से? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्यों से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है, यहाँ 4 खंभे हैं जिनकी माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर तथा 150 सेंटीमीटर है और 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर यह सवाल रिक्त स्थान के लिए पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 खंभे हैं, सवाल जो है 4 खंभे हैं और 4 खंभों की यहाँ पर माप दे रखी है और उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है, तो प्रत्येक के लिए लंबाई क्या होगी? तो ये सवाल किस बात के लिए पूछा गया है? ऐसी वलसीम पर आधारित समस्याओं का अभ्यास देने के लिए, गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए, या SEF ज्ञात करने कौशल या सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने में? तो यहाँ पर सीखी गई जो संकल्पनाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाने के लिए किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणित में छात्र करके सीखना, अनुभवों के द्वारा सीखना तथा समस्या समाधान आदि अनेक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है, यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य के अंतर्गत आता है? अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, नैतिक मूल्य या प्रयोगात्मक मूल्य? तो ये आता है मनोवैज्ञानिक मूल्य, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन आवश्यक है परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए, मानकों का निर्धारण करने के लिए, अधिकतम प्रक्रिया में सुधार के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो यहाँ पर यह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा कक्ष में ले जाएगा, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयों को इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अब नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो, दूसरी तरफ मीटर हो और विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। अब यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो कक्षा में कौन सी सामग्री लेकर जाएंगे? देखिए यहाँ पर विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी, इन सभी को लेकर जाएंगे और सभी के माध्यम से लंबाई की अलग अलग इकाइयों को प्रदर्शित करेंगे, तो ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम बालकों को सूत्र याद करवाए जाते हैं? निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि या अनुसंधान विधि? तो यहां पर हमारा उत्तर होगा निगमन विधि, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित के सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना और विद्यार्थी को बहुत से सवाल, कार्यपत्रक आदि देना। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थी को चर्चा में शामिल करना, ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना विधि का पद नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर योजना विधि का पद नहीं, योजना बनाना, आंकड़े इकट्ठे करना, क्रियान्वयन, परिस्थिति का निर्माण करना? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आंकड़े इकट्ठे करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों का अन्य नाम है अनुदेशात्मक उद्देश्य, व्यवहारगत प्राप्ति उद्देश्य या फिर ए और बी दोनों या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ए और बी दोनों ही शिक्षण उद्देश्यों के अन्य नाम है। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है, तो गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? औपचारिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान, सवाल हल करने की क्षमता का विकास, सूत्र माप करने की क्षमता का विकास और टी है तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने तथा संचरित करने की योग्यता का विकास। तो यहाँ पर उत्तर जो बनेगा वो बनेगा तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने और संचरित करने की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए भावनाओं में के प्रभाव में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य या फिर अनुशासन संबंधी मूल्य? तो यहाँ पर ये जो कथन होगा ये है अनुशासन संबंधी मूल्य, ऑप्शन डी। उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन पाठ्यक्रम विकास की किस विकास की अवस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो उपयुक्त अधिगम अनुभवों का जो चयन है वो पाठ्यक्रम विकास की अवस्था होती है तृतीय, ऑप्शन सी। एक विद्यार्थी 5070 को 570 लिखता है तो इसका अर्थ है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, जमा का प्रत्यय नहीं है, अंकित मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसे हिंदी पढ़ना नहीं आता। तो यहाँ विद्यार्थी जो है उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है इसलिए वो गलत लिख रहा है, ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। प्राची कक्षा थर्ड की गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाती है जबकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है, इसका संभावित कारण हो सकता है, लड़कियां गणित में कमजोर होती है, वह गणित की परीक्षा में बीमार हो जाती है, उसकी गणित विषय में अधिक रुचि नहीं है या गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ कमी है। तो देखिए प्राची जो है वो अन्य सभी विषय में अच्छी है, उसकी उपलब्धि अच्छी है, परंतु गणित में वो कमजोर है, तो निश्चित ही गणित पढ़ाने का जो ढंग है शिक्षक का वहाँ पर कुछ कमी है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर, क्योंकि कमजोर विद्यार्थी सभी विषय में कमजोर होता है। चलिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों क्षेत्रफल की संकल्पना में से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। बी है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। सी है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो यहाँ पर हमें समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से परिचित करवाना है, तो यहाँ पर हम हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को की सहायता से करा सकते हैं। चलिए अगला है, मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? तो 3, 5, 4 या फिर 6। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान होते हैं वो 5 होते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण देना, संबंध देखना, व्याख्या करना, विभेद करना आदि मानसिक योग्यता किस प्राप्ति उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान से, बोध से, ज्ञानोपयोग से या फिर सृजनात्मक से? तो ये है बोध से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकगणित शिक्षण की कौन सी विधि अधिक उपयोगी होती है, आगमन, निगमन, प्रदर्शन या फिर प्रोजेक्ट विधि? तो आगमन विधि जो होती है वो अधिक उपयोगी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए हुए सवालों को हल करने
कि विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संख्या की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। बी है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सी है सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, और डी है गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णता सही। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन है, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना आदि मानसिक योग्यताएं किस प्राप्य उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान उपयोग, बोध, ज्ञान, सृजनात्मकता। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सृजनात्मकता। उपचारात्मक कार्य होने चाहिए, तो उपचारात्मक कार्य जो है कब होना चाहिए? प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, साल भर में एक बार, हर महीने के बाद, या डी अभ्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपचारात्मक कार्य जो है वो लगभग प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा चार में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर इंच में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। बी है रेखा किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है। सी है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। अगला है, सेंटीमीटर इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है और रेखा का नाम बदला सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधित समस्या है। अध्यापक का किसी विषय ज्ञान का कम होना, अध्यापक के शिक्षण में अरुचि, या अध्यापक के द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन, या डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक में अध्यापक संबंधित समस्याएं ये सभी हो सकती है, ऑप्शन डी बन जाएगा हमारा उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, सी है अध्यापक की कार्य कुशलता एवं सफलता का मापन करना, डी है प्रतियोगिता की भावना जागृत करना। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य नहीं होता है वो होगा प्रतियोगिता की भावना जागृत करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, शैक्षणिक परीक्षण, या फिर इन सभी में, शैक्षिक परीक्षण, इन सभी में। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो है उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य को पूरा करने में सहायता करना, प्रश्नों का संग्रह करना, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण एवं अभ्यास, और बच्चों पर बोझ बढ़ाना। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण और अभ्यास। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने समूह में बांटा गया है? दो, तीन, चार, या फिर पांच? तो इसे बांटा गया है तीन, ऑप्शन बी। दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित पढ़ाकर से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के।